तो मैंने नाम दिया है थ्री गोल्डन रूल्स, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डोमेन फाइंड आउट करने के थ्री गोल्डन रूल्स, राइट। तो थ्री गोल्डन रूल्स का मतलब पता क्या है? फॉर फाइंडिंग डोमेन, मतलब आपको डोमेन निकालने के लिए कभी भी इन तीन रूल्स से ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, राइट। तो लुक हियर, यस, नंबर वन, आप लोग मेरे साथ साथ अपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। नंबर वन इज, इफ एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज गिवन अंडर स्क्वायर रूट और इवन रूट, इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल, आज क्या हो रहा है, लेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहां पे देखें, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो हम कहते हैं, बिकॉज हम लोग यहाँ पे जब बात कर रहे होते हैं, हम रियल फंक्शंस की बात कर रहे होते हैं। हम लोग जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो रियल फंक्शंस की बात करेंगे, मतलब उन सब का डोमेन जो है वो रियल नंबर्स होगा। लेकिन ये रियल तभी पॉसिबल है अगर हमारे पास क्या होगा, हम कहेंगे एफ एक्स इज रियल इफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यस, इफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तभी ये वैल्यू जो है वो रियल वैल्यूज आएंगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे तो उसमें ना एक रूल था, अगर आपको याद हो। वो रूल क्या था कि इफ डी इज लेस देन जीरो, रूट्स आर अनइक्वल एंड इमेजिनरी। अनइक्वल हो या ना हो, बट इमेजिनरी हम लोग बोलते थे। व्हेन डी वाज लेस देन जीरो, रूट्स वर इमेजिनरी। इमेजिनरी क्यों? बिकॉज ऑफ दिस थिंग, क्योंकि रूट्स रियल ही नहीं रहते। तो इसलिए जब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो रूट्स रियल होंगे, और अदरवाइज ये जो वैल्यू है ये हमारी इमेजिनरी वैल्यूज हो जाएंगी, राइट। नाउ इसी तरह से एक एग्जाम्पल और करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3, तो हम लिखेंगे एफ एक्स इज रियल इफ 2x+3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नाउ हम लोगों ने ना इधर एक और चीज सीखनी है, वो मैं अभी आपको सिखाता हूं, पहले हम लोग इसको समझ लें, राइट। दिस इज योर रूल नंबर वन, गोल्डन रूल नंबर वन। गोल्डन रूल नंबर टू इज, इफ एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये तो आपको पता ही है, ये मैं खाली आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, इफ एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज इन द डिनोमिनेटर, इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। बिकॉज आपको पता है कि एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, इसलिए कोई भी चीज जीरो में, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई भी एक्सप्रेशन होगी तो वो कुछ भी वैल्यू उसकी हो सकती है, बट सिर्फ वो जीरो नहीं हो सकती। तो हम कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/6
7x plus 3, then हम लिखते हैं एफ एक्स इज रियल इफ 7x plus 3 is not equal to 0. Similarly, fx is equals to 1 upon, suppose agar aise likha gaya ho, x square minus 9, then fx is real if x square minus 9. Ab yahan pe do cheeze hain, hamare paas x square minus 9 क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है तो ये जीरो से कम भी नहीं होना चाहिए, और क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो जीरो भी नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज अगर डिनोमिनेटर में रूट में आ जाएगी तो इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। ये दोनों रूल्स को ध्यान में रख के बात कहेंगे कि इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। लेकिन अगर बिना रूट के कोई चीज होगी तो हम उसको डायरेक्टली सिंपली ऐसे लिख लेंगे कि इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, राइट। तो आई होप ये दो बातें तो आपको क्लियर होगी होंगी, राइट। चलें, मैं एक और करवाता हूं, फिर मैं आपसे बात करूंगा कि थर्ड इज इफ एनी एक्सप्रेशन इज गिवन अंडर लॉगरिथमिक फंक्शन देन it must be greater than zero. It must be greater than zero. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर भी बात करते हैं कि must be greater than zero. तो इसके लिए भी बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर एफ एक्स हमारे पास है log x plus 3 to the base 10, then fx is real if x plus 3 is greater than 0. ठीक है, तो हम लोग जो ये जो conditions हैं, इन conditions को हम लोग लेके चलते हैं। अभी हमारे पास इसने ऐसे बोला कि जब लॉग में कोई एक्सप्रेशन होगी तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। ऐसा क्यों है, अभी इसके लिए भी हम बात करेंगे। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, इतना समझ लीजिए और इन एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम लॉग को क्यों नहीं लेते जीरो, या लॉग के एक्सप्रेशन में हम क्यों नहीं लेते उसको लेस देन जीरो। ना तो हम नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं और ना ही हम लोग जीरो के लिए लेते हैं, बिकॉज जनरली ये दोनों के लिए डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है अभी बात करते हैं, पहले आप ये नोट करेंगे जल्दी से। शाबाश, तो चलें बच्चे यहां पे फर्दर अगर हम बात करें तो लॉग हमारे पास क्यों, इसकी वैल्यू हमने जीरो नहीं लेनी या फिर लेस देन जीरो नहीं लेनी, बिकॉज हमारे पास क्या होता है, हमारे पास लॉग कहां से हम लोग लेके चलते हैं, हम लेते हैं कि a raised to power b is equals to c, then this implies that log of c to the base a equals to b. Yes, ये दोनों जो रिजल्ट्स हैं दे आर इंटरकन्वर्टिबल। ठीक, अगर ये चीज है तो हम लोग इसको ले सकते हैं, और अगर ये चीज गिवन है तो हम इसको मान सकते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये सबको पता है 10 का स्क्वायर इज 100, तो दिस इंप्लाइज दैट लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 2, राइट। अब आप किसी भी चीज को लेके चलें, आपके पास क्या है 10 raise to power 0 लेते हो तो 1 आता है, तो this implies that log of 1 to the base 10 equals to 0. But क्या किसी के power जो है, अगर हम किसी का power ले लें तो क्या ये वो value 0 आती है कि नहीं आती है? जैसे हम 4 raise to power कुछ भी ले लूं,
x ले लूं तो क्या ये वो वैल्यू जीरो आएगी कभी? 4 रेस टू पावर एनीथिंग, कभी ये 4 रेस टू पावर एनीथिंग जीरो आएगी? नो, 4 रेस टू पावर x कभी भी जीरो नहीं आ सकती, इट कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। दैट इज व्हाई हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि बिकॉज इसकी वैल्यू कभी जीरो हो नहीं सकती, इसलिए लॉग ऑफ जीरो टू एनी बेस इज नॉट इक्वल टू एनीथिंग, सो इट इज नॉट डिफाइंड। दैट इज व्हाई इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। सिमिलरली हम लोग जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, yes. जब भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं तो हम जनरली पॉजिटिव वैल्यूज को ही लेके चलते हैं, ठीक है। लेकिन इसी तरह से अगर आपसे कोई बात करे कि 4 रेज टू पावर या 4 फॉर दैट मैटर में एक और नंबर ले लेता हूं, 5 रेज टू पावर एनीथिंग इज, कैन इट बी लेस देन जीरो, ठीक है, कैन इट बी लेस देन जीरो? नेवर, इट कैन नेवर बी लेस देन जीरो। इसीलिए हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि कभी भी हमारा लॉग जो है वो कभी भी नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं होता। तो हमारे पास ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, वो ये कि लॉग फंक्शन इज नेवर डिफाइंड फॉर never defined for what? It is never defined for negative values and zero. ना तो ये negative values के लिए defined होता है, ना ही ये zero के लिए defined होता है। तो हमेशा इस बात को आपने ध्यान रखना है कि ये कभी भी ना तो zero के लिए defined होगा, ना ही ये negative values के लिए defined होगा, right? Now another important thing to understand here is, हम लोगों के पास एक बड़ी important चीज है जो अभी हमने सीखनी है, वो ये है कि हमारे पास, अगर मैं आपसे बात करूं, now understand this thing, if x squared minus 4 is equals to 0, तो हम लोग लिखते हैं x square is equals to 4 and x is equals to plus minus 2, isn't it? है ना, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या बन जाती है? प्लस माइनस 2, राइट? एम आई राइट? ओके। लेकिन अगर यही बात हमारे पास ऐसे हो, x स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा? ये बात समझनी है हमने। अगर x स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0 होगा ना, तो क्या होगा? हमें वो वैल्यूज लेनी है x की जिस पे जो यहां पे डाली जाए और उसमें से जब 4 माइनस की जाए तो वो ग्रेटर देन जीरो हो, राइट? तो आप सोचें कि कौन सी ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं। अगर मैं यहां पे 1 लेता हूं, सपोज x इज इक्वल्स टू 1 लेता हूं, ध्यान से समझना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे यूज होनी है अभी हमारी। अगर मैं x इक्वल्स टू 1 लेता हूं तो ये है 1 स्क्वायर माइनस 4, 1 स्क्वायर माइनस 4 इज 1 माइनस 4 व्हिच इज माइनस 3, क्या ये ग्रेटर देन जीरो है? नो, ये ग्रेटर देन जीरो नहीं है। इसका मतलब मैं x की वैल्यू 1 नहीं ले सकता। क्या मैं इसकी वैल्यू 2 ले सकता हूं या माइनस 2 ले सकता हूं? तो फिर देखते हैं, एक्स की वैल्यू अगर मैं यहां पर 2 डालूंगा या माइनस 2 डालूंगा तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बनेगा व्हाट? आपके पास बनेगा 4 माइनस 4। ये 0 के बड़ा है, 0 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब मैं इसको 2 भी नहीं ले सकता, राइट? क्या मैं इसको 3 ले सकता हूं? तो x स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी 9, 9 माइनस 4 इज 5 विच इज ग्रेटर देन 0, राइट? और x स्क्वायर की वैल्यू अगर माइनस 3 ले लूं तो भी बात बनेगी 9 एंड इट इज ग्रेटर देन 0, राइट? 9 माइनस 4 इज 5, अगेन ग्रेटर देन 0। अगर मैं इसकी वैल्यू 2.1 ले लूं, इस x की वैल्यू, तो देखें क्या बनेगा। ये बनेगा एट x इज इक्वल्स टू 2.1 this becomes x square minus 4 is equals to 2.1 का square minus 4, 2.1 होता है 4.41, इसका square minus 4 and it is 0.41, again greater than 0। तो मेरी बात सही हो रही है यहां पे? तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इसकी वैल्यू को minus 2.1 भी लेता
तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो भी ये माइनस 2.1 का स्क्वायर माइनस 4 होता और ये फिर से मेरे पास क्या बन जाता, ये मेरे पास बन जाता वही 4.41 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0.41। तो आप लोगों ने क्या इसमें से रिजल्ट ड्राइव किया, कुछ किया, कुछ रिजल्ट ड्राइव किया आप लोगों ने? तो रिजल्ट क्या ड्राइव हो रहा है इसमें, दो बातें समझ में आ रही हैं, या तो हम लोग x की बात 2 से बड़ी ले सकते हैं x की वैल्यू, या x की वैल्यू 2 से छोटी ले सकते हैं, माइनस 2 से छोटी ले सकते हैं, या प्लस 2 से बड़ी या माइनस 2 से छोटी, लेकिन हम इसकी वैल्यू 2 और माइनस 2 के बीच में नहीं ले सकते बिकॉज उस समय ये ट्रू प्रूव नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि यहां पे x जो है x इज लेस देन माइनस 2 और x इज ग्रेटर देन 2, लिख सकता हूं मैं इसको ऐसे, है ना जी। तो ये जो एक इंपॉर्टेंट चीज हमने यहां पे समझी, ये हर एक के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब बात समझिएगा, हम लोग 4 को 2 से रिप्लेस, a से रिप्लेस कर देते हैं, a स्क्वायर से, 4 इज 2 स्क्वायर, हम 4 को a स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं। तो नो अंडरस्टैंड द थिंग, अगर मेरे पास ये ऐसे हो जाए, कैसे, यहां पे अगर हम देखें तो ये ऐसे हो जाए कि हम लोगों को बोलता है कि इफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, a स्क्वायर मैंने किसके लिए लिखा, 4 के लिए लिखा, 4 वाज एक्चुअली 2 स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज लेस देन माइनस a और x इज ग्रेटर देन a, x इज लेस देन माइनस a, x इज ग्रेटर देन a। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्यों ये बता रहा हूं, क्योंकि ये अभी सब काम आने वाले हैं मेरे बच्चे, ये सब अभी हम लोग जब डोमेन फाइंड आउट करेंगे तो काम आएगा उसमें, ठीक है। तो आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 अगर होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं बोल सकता हूँ 2 स्क्वायर, ग्रेटर देन 0 था तो x की वैल्यू या तो लेस देन माइनस 2 हमने देखी या ग्रेटर देन 2 देखी, है ना। तो यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास हमने 4 की जगह पे ए स्क्वायर ले लिया, 2 स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर ले लिया, तो x इज लेस देन माइनस a और x इज ग्रेटर देन a, हमारे पास ये बात रहेगी, राइट। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हमारे पास ऐसी बात है तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, नंबर 2 इज इफ x square minus a square is greater than equal to 0, if it is greater than equal to 0 तो कुछ नहीं है, सब चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ इसके साथ भी less than equal to आ जाएगा और दूसरी तरफ भी greater than equal to आ जाएगा, बाकी सब चीजें as it is ही रहेंगी, बाकी सब चीजों को हम लोग यही मान के चलेंगे, ठीक है। तो मेरा मानना पता क्या है, ग्रेटर जो होता है वो बड़ा होता है, बड़ा ऐसे बड़ा होता है ना, तो मेरा मानना क्या है कि जब हमारे पास ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी है ना बीच में, जैसे यहां पे, तो हम लोग उस रूट से बाहर की तरफ जाते हैं, मतलब वी एक्सपेंड दैट थिंग, और अगर जब हमारे पास लेस देन की इनइक्वालिटी हो, इस केस में लेस देन इज लाइक दिस, लेस देन की इनइक्वालिटी हो या लेस देन इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी हो, तो फिर हमारे पास क्या करते हैं, हम अपने बात को नैरो डाउन कर लेते हैं, यानी इट इज लेसर, लेसर का मतलब नैरो डाउन कर लेना, यानी कहने का मतलब यह है, अभी हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे, फिलहाल आप इसको ये देखें कि अगर कभी हमारे पास सेम चीज ऐसे बोली जाए, इफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज लेस देन 0, ठीक है, देन हम कहते हैं माइनस ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए, तब हम कहते हैं कि जो x जो है ये माइनस ए और प्लस ए के बीच में लाई करता है, अभी हम सीखेंगे एग्जांपल के साथ। तो इसी तरह से जो इसका चौथा रिजल्ट है पहले वो देख लेते हैं, फिर हम सबके लिए एक एक बार एग्जांपल देखेंगे। इफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0 अगर ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, अगर ये वैल्यू हमारे पास लेस देन इक्वल टू तक ले चली जाए, इफ
x square minus a square is less than equal to 0, then minus a is less than equal to x is less than equal to a. ठीक है, तो आप पहले इन सबको नोट करें, फिर मैं आपको इसकी एक एक एग्जांपल बताता हूं और फिर यह कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। और यह कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है क्योंकि यह हमें बहुत काम आने वाला है, इसलिए आप इसको जरा एक बार देखें अच्छे से। यस, आप यहां पे देखें, सपोज मेरे पास एक नंबर है, हम क्या करते हैं अगर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो हो, चलें पहले ये बात करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू नाइन लेते हैं और एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस थ्री ले लेते हैं, राइट है ना जी। तो ये बात समझ आ गई आप सबको। अगर इसी चीज को मैं नंबर लाइन के ऊपर बनाऊं, मतलब इनको, तो नंबर लाइन पे ये जीरो, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यूज, ठीक। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ये दो लोग बन गए, एम आई राइट, एक प्लस थ्री और एक माइनस थ्री, राइट है ना, ये दो वैल्यूज बन गए। अब बात समझनी बड़े ध्यान से, अगर यही इनइक्वालिटी एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो की बजाय ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो क्या होगा, अब आप समझना इस बात को, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे इफ एक्स इज इक्वल्स टू वन, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, वन स्क्वायर माइनस नाइन इज माइनस एट विच इज लेस देन जीरो, बट हमें तो वो वैल्यू चाहिए जिससे ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, ओके तो ये मेरे पास क्या बन गई, वन स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल्स टू माइनस एट विच इज लेस देन जीरो, राइट। इसी तरह से अगर मैं इसकी वैल्यू को टू ले लेता हूं या माइनस टू ले लेता हूं, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस टू पे ये वैल्यू क्या बनेगी, एक्स इक्वल्स टू माइनस टू पे ये वैल्यू बन जाएगी, चलो यहां लिखता हूं, माइनस टू पे वैल्यू बन जाएगी माइनस टू स्क्वायर प्लस नाइन विच इज इक्वल्स टू माइनस नाइन विच इज इक्वल्स टू फोर माइनस नाइन माइनस फाइव विच इज लेस देन जीरो, राइट। अब क्या हुआ, मतलब मैं ना तो इसकी वैल्यू वन ले सकता हूं ना ही इसकी वैल्यू टू या माइनस टू ले सकता हूं, तो क्या ले सकता हूं, क्या मैं इसकी वैल्यू थ्री ले सकता हूं, तो चले चेक करते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू थ्री, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस थ्री स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल्स टू नाइन माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो, लेकिन हमें तो वैल्यू ग्रेटर देन जीरो चाहिए, इसका मतलब मैं थ्री भी वैल्यू नहीं ले सकता और माइनस थ्री भी नहीं ले सकता, राइट। चलिए बात करते हैं कि क्या मैं ये वैल्यू एक्स इक्वल्स टू 3.1 ले सकता हूं, यस आप देखें तो ये बनेगा क्या, 3.1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 3.1 का स्क्वायर होता है 9.61 माइनस 9 विच इज 0.61 दैट इज ग्रेटर देन 0, यस ये हमारे लिए करेक्ट वैल्यू है, ठीक है, ये हमारे लिए करेक्ट वैल्यू है, तो इसका मतलब मैं इसके आगे वाली वैल्यू को ले सकता हूं। मेरे कहने का मतलब है कि यहां से हम लोग फर्दर कोई भी वैल्यू आगे की तरफ चला जाए तो हम लोग ले सकते हैं, और इसी तरह से माइनस थ्री से नीचे की तरफ कोई भी वैल्यू हो तो हम लोग ले सकते हैं, राइट। तो अगर मैं इन सब चीजों को अच्छे से लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा कि जैसे मैंने पीछे वाली बात की, अब समझने वाली बात यह है कि ये जो एक्स स्क्वायर जो था हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा माइनस थ्री इज लेस देन एक्स इज लेस देन माइनस थ्री और एक्स इज ग्रेटर देन प्लस थ्री, तो हम इन वैल्यूज को इस तरह से लिखेंगे, एक्स इज लेस देन माइनस थ्री और एक्स इज ग्रेटर देन थ्री, राइट। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर इस नाइन की जगह पे ए या माइनस ए ले लूं मैं, तो ये ए स्क्वायर अगर लिया जाए तो हम लोग इस बात को यूज कर सकते हैं क्या, डायरेक्टली। अब समझते हैं इसके हिसाब से,
ये तो मैंने आपको बताया इसके हिसाब से। अब सुनिए, हम लोगों के पास क्या था एक्चुअल में, इफ यू सी, तो हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, राइट। तो मैंने इसको डायरेक्टली अब क्या लिख सकता हूं, मेरा जो रिजल्ट आ रहा है एक्स इज लेस देन माइनस थ्री, क्योंकि ए की जगह पे थ्री है, माइनस ए की जगह पे माइनस थ्री आ जाएगा, और एक्स इज ग्रेटर देन थ्री, तो इट मैचेस द रिजल्ट जो हम लोगों ने अदरवाइज फाइंड आउट किया, इसके साथ मैच कर रहा है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग होल आउट ऑफ दिस थिंग, हम लोग इसको डायरेक्टली अगर याद रख लें तो हमें ये चीजें बड़े आराम से मिल जाती हैं। सिमिलरली अगर यही बात यहां पे ऐसे हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो मैं इसको क्या लूंगा, एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस 4 और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। हाउ इंटरेस्टिंग इट इज, सिंपल सी बात थी, सिर्फ यहां ग्रेटर देन था तो ग्रेटर देन रहा, यहां ग्रेटर देन इक्वल टू था तो यहां पे इक्वल टू का साइन सिंपल में साथ आ गया, लेकिन बाकी का काम करने वाला वही चीज थी। अब जब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं तो प्रैक्टिकली इसको कैसे करते हैं, हम लोग कहते हैं इतना सब कुछ नहीं लिखते, हम लोग कहते हैं कि हमारे पास ना एक, हमने एक मैथमेटिशियंस ने एक पर्टिकुलर इसका एक तरीका बना लिया, उन्होंने कहा कि जब भी ऐसी इनइक्वालिटी आएगी तो हम क्या करेंगे, हम लोग कुछ ज्यादा खास नहीं करेंगे, वी विल डू ओनली वन थिंग। क्या, मैं आपको वो समझाने वाला हूं, तो आप ये बात समझना, बड़ा इजी है, अब चीजें बिल्कुल इजी हो जाएंगी, तो देखते जाइए। ये मेरे पास नंबर लाइन 1, 2, 3 एंड सो ऑन, एंड -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। मैं आपकी सहूलियत के लिए फिर से ऊपर वाले क्वेश्चन को ही एक बार करूंगा, अब की बार में ना तो कोई वैल्यूज लूंगा ना ही कोई चीजें लूंगा, बस हम लोग बात को डायरेक्टली समझेंगे। क्या, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फिर से फंक्शन यही है कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, राइट। तो मैंने क्या करना है, मैंने ना इसको चुपचाप से ना पहले मानना है कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये साइड पे ले जाके मैंने इसको ऐसे मान लेना है, लिख लेना है, और मैंने यहां से जो इसकी एक्स की पॉसिबल वैल्यूज आ रही है मुझे वो निकाल लेनी है, जो क्या है प्लस माइनस थ्री, एग्री। यानी एक वैल्यू में ये मान के चल रहा हूं, एक वैल्यू में ये मान के चल रहा हूं, राइट। सिंपल सी बात क्या है, ये जो भी वैल्यूज आपको यहां पे मिल रही हैं, आपने राइट हैंड साइड, ये वाला राइट हैंड साइड होता है ना जहां पे पॉजिटिव, तो थ्री के राइट हैंड साइड पे आपने खुद से पॉजिटिव लिखना है, ठीक है। और थ्री के माइनस थ्री से नीचे, अब होता क्या है, अगर हमारे पास टू रूट्स आ रहे हैं, ये टू रूट्स हैं, ये टू वैल्यूज हैं, तो ये नंबर लाइन को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक थ्री से ऊपर, एक पार्ट माइनस थ्री और प्लस थ्री के बीच में, और एक पार्ट जो है माइनस थ्री से नीचे। दोबारा से सुनिए, अगर हमारे पास टू वैल्यूज आ रही हैं, जैसे यहां पर एक्स की दो वैल्यूज हैं, एक प्लस और एक माइनस थ्री, तो ये नंबर लाइन को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, कितने पार्ट्स में, तीन पार्ट्स में, एक थ्री से ऊपर, एक थ्री और माइनस थ्री के बीच में ऐसे, और एक माइनस थ्री से नीचे, ठीक है। अब ऑल्टरनेटिवली हम लोग साइंस लेते हैं इसके, एक एक करके, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, और अगर आगे एक और पार्ट होता तो माइनस लेते, मतलब हमने स्टार्ट प्लस से करना है, फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, और ऐसे ऐसे चलते आगे चलते जाना है अगर जरूरत पड़े तो। फिलहाल अभी इस केस में देर आर ओनली थ्री पार्ट्स, राइट। ये जो पॉजिटिव पार्ट्स हैं, ये वो वैल्यूज हैं जहां पे फंक्शन ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब ये वो बात है जो हम लोगों को यहाँ पे मिल रही है। कैसे मिल रही है, ये कैसे मिल रही है, बस टू मिनट्स मोर, ऐसे मिल रही है यहां से ऊपर और यहां से नीचे। तो यानी अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये क्या आ जाएगा, x इज लेस देन माइनस थ्री और x इज ग्रेटर देन थ्री, बस बात यहीं पर ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। यही हमने निकाला था ना, x इज लेस देन माइनस थ्री और x इज ग्रेटर देन थ्री, तो कुछ नहीं करना है, नंबर लाइन के ऊपर दो वैल्यूज बना दी, राइट हैंड साइड से वैल्यूज लिखी, प्लस फिर माइनस और फिर प्लस, जहां जहां पे ये प्लस दिखा रहा है वो वैल्यूज हमारे पास ग्रेटर देन वाली वैल्यूज के लिए होंगी, और जहां जहां पर ये माइनस दिखा रहा है वहां वहां पे वो वैल्यूज किसकी होंगी, लेस देन की।
मैं कहने का मतलब अगर इफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर लेस देन जीरो होता, अगर लेस देन जीरो होता तो मैं एक्स यहां पे क्या लेता, तब मैं सिंपली एक्स लेता, एक्स बिलोंग्स टू, या ऐसे लिख सकता हूं या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि माइनस थ्री इज लेस देन एक्स इज थ्री, यानी ये जो एक्स है वो माइनस थ्री और प्लस थ्री के बीच में लाई करता है। कहां लाई करता है? माइनस थ्री और प्लस थ्री के बीच में लाई करता है, राइट। तो यहां पर ये वैल्यू माइनस थ्री से नीचे और प्लस थ्री से ऊपर है जब ग्रेटर देन का साइन है, और जब लेस देन का साइन है तो ये इस शेप में आ जाता है, माइनस ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए, यानी जो एक्स है ये माइनस ए और प्लस ए के बीच में लाई कर रहा है। और अगर हम यहां पे एग्जांपल वाइज देखें तो ये माइनस थ्री और प्लस थ्री के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको रिपीट करके देखेंगे, अगर आपको समझ नहीं आएगा, नहीं समझ आएगा तो मैं दोबारा से एक बार समझाऊंगा, दोबारा से आपको इस कंसेप्ट के ऊपर बात करूंगा। वैसे भी अभी हमने आधा कंसेप्ट किया है, नेक्स्ट टाइम हम जब भी मिलेंगे हम इससे पूरा कंसेप्ट को एक बार दोबारा से गो थ्रू करेंगे, रिवाइज करेंगे, राइट, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लेकिन आपने आपने तीनों रूल्स को ध्यान से पढ़ना है जो हमने आज थ्री गोल्डन रूल्स पढ़े हैं, ओके। तो आज के लिए इतने रखूंगा, फिर नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।